गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, बानसूर पीजी कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएससी प्रीवियस फिजिक्स पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स, और कल हम बात कर रहे थे लॉजिक फंक्शंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म और लॉजिक फंक्शंस हम बात कर रहे थे, जिसमें आपने एक फंक्शन कंसिडर किया एक्स, और वो फंक्शन एक्स तीन वेरिएबल्स ए बी और सी का फंक्शन है। एक्स को आपने लिखा ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर, ये हमने कल लिखा था। आपने ये कहा कि जो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर हैं, ये ए बी और सी से बने हैं, ए बी सी के प्रोडक्ट से बने हैं, और फिर इन चारों फंक्शंस के एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर के सम से एक्स बना है। मतलब पहले प्रोडक्ट ए बी सी का और फिर उनका प्रोडक्ट्स का क्या किया है, सम किया है। इसलिए इस फॉर्म को हमने कहा सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम का मतलब और गेट से है या और ऑपरेशन से है, और प्रोडक्ट का मतलब एंड ऑपरेशन से है। इसके लिए हमने एक टेबल भी बनाई थी कि भाई एक्स की वैल्यू जीरो वन हो सकती है, वन और जीरो कब कब होंगे, किन किन परिस्थितियों में होगा, ये सब हमने टेबल के माध्यम से देखा और टेबल हमने बना लिया। ये टेबल आपकी बन गई थी। इस टेबल में हमने देखा कि एक्स की वैल्यू वन कब होगी और जीरो कब होगी, किन किन परिस्थितियों में वन होगा, किन किन परिस्थितियों में जीरो होगा। इसके लिए आपने एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर को भी देखा कि ये जीरो और वन कब होंगी। एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर जीरो वन है, उस पर डिपेंड कर रही थी एक्स की वैल्यू। तो ये हमारे पास आ गया था। उसके बाद हमने एक दूसरा फंक्शन कंसिडर किया वाई, जो भी तीन वेरिएबल्स ए बी और सी का फंक्शन था। इसमें ए बी और सी के सम और फिर उनका प्रोडक्ट्स किया गया। जैसे वाई इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है वाई वन, ऐसे ही वाई टू ए प्लस बी प्लस सी बार था, वाई थ्री ए बार प्लस बी प्लस सी बार, और वाई फोर था ए बार प्लस बी बार प्लस सी। मतलब वही तीन वेरिएबल ए बी सी, उनका कॉम्प्लिकेट्स ले लिए होंगे और उन्हीं से मिला करके हमने फंक्शन वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर बनाए। मतलब उनमें की सम कर वो सम से फिर उन सभी सम्स का हमने प्रोडक्ट कर दिया, तो आपके पास फंक्शन वाई आ गया है। अब ये जो फंक्शन वाई है, इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम्स। सम्स का क्या है, ये प्रोडक्ट है। मतलब पहले और ऑपरेशन किया है हमने ए बी सी के लिए, और फिर जो भी रिजल्ट मिला है उनमें हमने क्या किया है, एंड ऑपरेशन किया है। इसको भी हमने वेरीफाई कर लिया कि वाई की वैल्यू जीरो कब होगी, वन कब होगी, किन किन परिस्थितियों में क्या होगा, ये सब टेबल में हमने लिख दिया। ये इसके लिए ट्रुथ टेबल आपके पास आ गई। मतलब वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर में से कोई भी एक जीरो है तो आउटपुट वाई आपको जीरो मिल जाएगा। यहां पर ये देखने वाली बात है, नॉट दैट वाई इज आइडेंटिकल टू एक्स, सीन टू स्लाइड्स बैक जो पीछे हमने देखा है उसको। दिस इज एग्जांपल ऑफ हाउ द सेम फंक्शन कैन बी रिटन इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, इन दिस केस द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड द प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म्स। भाई एक ही फंक्शन को हमने दो फॉर्म में लिख दिया, एक तो प्रोडक्ट ऑफ सम्स में और एक सम ऑफ प्रोडक्ट्स में। एक दूसरा फंक्शन आप कंसीडर कर सकते हो एक्स, तीन वेरिएबल्स ए बी सी, जिसको भी क्या कहेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का सम। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि ईच इंडिविजुअल टर्म कंसिस्टिंग ऑफ ऑल थ्री वेरिएबल्स इज कॉल्ड ए मिन टर्म। यहाँ ए बी और सी तीन वेरिएबल्स हैं, इनके प्रोडक्ट से जो टर्म प्राप्त हो रही है, मतलब तीन टर्म आ रही है ना यहाँ पर, जैसे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है, इनको हम मिन टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मिन टर्म। तो यहाँ कितनी मिन टर्म्स हैं, तीन मिन टर्म्स हैं। और एक्स के लिए जब ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो एक्स का मान वन होगा या जीरो होगा, और एक्स का मान वन कितनी बार होगा, कितनी टाइम्स वन होगा, वो डिपेंड करेगा मिन टर्म्स पर कि मिन टर्म्स की संख्या कितनी है। मिन टर्म्स तीन है तो फिर एक्स की वैल्यू भी तीन बार वन होगी,
मिन टर्म्स चार हैं तो एक्स की वैल्यू भी चार बार वन होगी। ये आप ट्रुथ टेबल में देख चुके हैं। पीछे मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर मिन टर्म्स जो है चार हैं, मतलब ए बी सी जो है इनका जो प्रोडक्ट है वो चार है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एक्स फोर, चार मिन टर्म है। तो एक्स की जो वैल्यू है वन होगी कितनी बार, चार बार वन होगी। तो यहाँ एक्स की वैल्यू चार बार वन है, देख सकते हो आप। अब ऐसे ही जो फंक्शन वाई है, इसमें ये फंक्शन वाई हमने लिखा है किससे, ए बी सी के सम से लिखा है। यहाँ भी वही टर्म है जो कि ए बी सी के सम से प्राप्त हो रही है, जैसे वाई वन है, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, चार टर्म है। इन टर्म्स को हम कहेंगे मैक्स टर्म्स। और इस फंक्शन में जो जीरो की वैल्यू है, वाई का मान जो जीरो है वो कितना होगा, कितनी टाइम्स जीरो होगा, वो डिपेंड करेगा मैक्स टर्म्स की संख्या पर। मैक्स टर्म्स संख्या चार है या मैक्स टर्म्स चार हैं तो वाई भी चार बार जीरो होगा, मैक्स टर्म्स दो हैं तो वाई भी दो बार जीरो होगा, तीन है तो तीन बार, जैसे कि अभी हमने देखा पीछे गया। हाँ, ये था। इन द ट्रूथ टेबल फॉर एक्स द नंबर ऑफ वंस इज द सेम एज द नंबर ऑफ मिन टर्म्स एज वी हैव सीन इन द एग्जांपल। एक्स को ऐसे लिखा, अब ये कह रहा है कि भाई इसको मिन टर्म्स के रूप में लिखो, तो शॉर्टकट कर दो इसका, कर दिया था आपने कल। ये भी क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि दो जो इसमें टर्म्स हैं, एक में दो ही वेरिएबल है, तीसरा नहीं है। एक दूसरा फंक्शन एक्स कंसीडर किया ए बी सी का, अब ये क्या है, सम है और फिर उनका प्रोडक्ट्स है, सम और फिर उनका प्रोडक्ट्स है। यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म्स एंड ईच इंडिविजुअल टर्म कंसिस्टिंग ऑफ ऑल थ्री वेरिएबल्स इज कॉल्ड ए मैक्स टर्म। तो ये जो तीन वेरिएबल्स रखने वाली जो टर्म्स हैं, प्रत्येक टर्म जो है उस टर्म को हम मैक्स टर्म कहेंगे। यहाँ इस एग्जांपल में हमारे पास तीन मैक्स टर्म्स हैं और एक्स में जो जीरोज के होंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो एक्स की वैल्यू जो जीरो आएगी, जीरोज जो होंगे, जीरोज की जो संख्या है वो डिपेंड करेगा मैक्स टर्म्स की संख्या पर, कि मैक्स टर्म्स की संख्या कितनी है। जीरोज की जो संख्या है वो मैक्स टर्म्स पर डिपेंड करेगी। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी। इसको हम सिंपल करके, सिंप्लीफाई करके लिख दें, और कल बताया भी था मैंने, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस सी। ये भी क्या है, सम्स का प्रोडक्ट है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए नहीं है कि यहाँ जो एक टर्म है ए प्लस बी प्लस सी और जो दूसरी है ए बार प्लस सी, जिसमें दो ही वेरिएबल हैं ए और सी, इसमें बी नहीं है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो यहाँ मिन टर्म कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, दो। भाई प्रोडक्ट्स वाली है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स को तो टर्म्स को मैक्सिमम कहेंगे, और दूसरी जो थी प्रोडक्ट्स का सम, उसको हम क्या कहेंगे, मिन टर्म्स कहेंगे। ये तो हो गया। अब हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम्स और स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स जो है इनका यूज करेंगे, मैक्स टर्म और मिन टर्म्स को काम में लेंगे, और बूलियन बीजगणित के नियम ये सब लेकर के हम कुछ नए फॉर्मूले जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये एक डायग्राम आपको दिख रहा है, एंड और लॉजिक सर्किट। इसमें एंड गेट हमने काम में लिया है और ओर गेट, और इससे आउटपुट आपको प्राप्त हुआ है। ऐसा ही आउटपुट हम किसी दूसरे गेट को काम में लेकर के और फिर प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या हम प्राप्त कर पाएंगे, कर सकते हैं, उसके लिए क्या तरीका है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, पहला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें एक तो दो तो इनपुट हैं ए और बी, एक एंड गेट है, दूसरा एंड गेट है। एक एंड गेट में ए के आगे नॉट गेट जोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगा, ए बार, दूसरा बी। दूसरे एंड गेट में ए और बी, फिर दोनों एंड गेट से एक से मिलेगा ए बार बी, दूसरे से मिलेगा ए डॉट बी। इन दोनों इनपुट आउटपुट्स को और गेट के इनपुट पर दे दिया, इनपुट पर देने से आपको ये जो प्रोडक्ट्स थे इनका क्या मिल जाएगा, सम,
ए बी का प्रोडक्ट था ना, ए बार बी और ए डॉट बी, इनका सम मिलेगा, तो हमें मिला ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी, ये मिला वाई। इसमें आप देखेंगे तो फिर ये है प्रोडक्ट्स का सम, दो वेरिएबल्स हैं दोनों में दो दो ही हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का सम। तो यहाँ पर जितनी टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को आप क्या कहोगे, मिन टर्म्स, इनको हम कहेंगे मिन टर्म्स। तो दो टर्म्स हैं जो मिन टर्म्स हैं, इस वाई के लिए हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे, तो उसमें वाई का मान जो वन होगा कितनी टाइम्स होगा, वन, दो टाइम्स वन होगा, क्यों, क्योंकि मिन टर्म्स कितनी है, दो है। तो ऐसे आप ये देख सकते हो। अब यही आउटपुट हम प्राप्त करना चाहते हैं नैंड गेट की सहायता से, ये एंड गेट की सहायता से प्राप्त किया था, अब हम यही आउटपुट किससे प्राप्त करेंगे, नैंड गेट की सहायता से प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए भाई जो नॉट गेट है उसकी जगह हम नैंड गेट भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि नैंड गेट के दोनों इनपुट को एक ही कर दिया जाए तो उसका जो आउटपुट है वो आउटपुट नॉट गेट के आउटपुट के बराबर होता है। तो हमने दूसरे डायग्राम में क्या किया, नॉट गेट की जगह नैंड गेट लगा दिया, ए से ए बार मिलेगा, दूसरा बी, और फिर ए और बी दो इनपुट दूसरे नैंड गेट को दे देंगे, एंड गेट की जगह नैंड गेट लिए दो, नैंड गेट का आउटपुट ए बार डॉट बी का बार मिलेगा, फिर ए बी दूसरे एंड गेट से दिया, नंबर तीन जो लिखा हुआ है नैंड गेट है, इससे ए डॉट बी का बार मिलेगा। इसके लिए हमने क्या किया, आगे जो और गेट जोड़ रहे हैं उसमें जो दो इनपुट हम देंगे उन इनपुट्स में नॉट गेट पहले ही जोड़ दें, तो यहाँ एंड गेट नैंड गेट का जो आउटपुट मिला उसमें नॉट गेट जोड़ देंगे, तो फिर वो क्या बन जाएगा, वापस से एंड गेट का आउटपुट बन जाएगा, तो ये दोनों एंड गेट के आउटपुट आपके बन गए। इनको आप और गेट में देंगे ए आर डॉट बी प्लस ए डॉट बी, ये आपको आउटपुट वाई मिल जाएगा। मतलब वही आउटपुट था जिसको हमने पहले तो एंड गेट से ज्ञात किया, एंड गेट और गेट से, और अब वही आउटपुट हमने नैंड गेट की सहायता से प्राप्त कर लिया है। तो ये इक्विवेलेंट नैंड लॉजिक सर्किट आपका हो गया है। अब एक दूसरा प्रॉब्लम आपके पास है, कन्वर्ट द बूलियन एक्सप्रेशन, एक बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास है, ए प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी बार इक्वल टू वाई है, और इसको कन्वर्ट करना है टू इट्स मिनटर्म फॉर्म, इसको इसकी मिनटर्म फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कर देंगे, और लिखा हुआ है सो ईच स्टेप क्लियरली, प्रत्येक स्टेप को क्लियरली आपको लिखना भी है, यहाँ दर्शाना भी है। चलिए हम ये काम शुरू करते हैं। इसके लिए आपके पास जो है यहाँ पर मैक्सटर्म जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, वाई है, ए प्लस बी वार प्लस सी वार डॉट ए वार प्लस बी प्लस सी वार का वार, ये वाई है। फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे कि ए प्लस बी वार प्लस सी वार जो है, प्लस को डॉट में बदल दो, डॉट को प्लस में बदल दो, बदल दिया साहब, ए डॉट बी वार डॉट सी वार, अब आगे डॉट था तो प्लस, ए वार डॉट बी डॉट सी वार। सेकेंड स्टेप जो है वो अब क्या करेंगे कि भाई ये जो वार है इसको तोड़ दो, ए वार डॉट बी का डबल वार डॉट सी का डबल वार हो गया, प्लस ए डबल वार डॉट बी वार डॉट सी डबल वार। थर्ड स्टेप, इसके दो बार वार लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फोर्थ स्टेप, और मतलब बी डबल वार है सी डबल वार है, उसको बी लिख सकते हैं इसको सी लिख सकते हैं, तो ए वार डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी वार डॉट सी इक्वल टू वाई, ये इसकी मिनटर्म एक्सप्रेशन है भाई। इसमें प्रोडक्ट्स का सम है वो मिनटर्म है ना भाई। ये जो फॉर्मूला आपको बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ था इसमें था ए प्लस बी बार प्लस सी बार, मतलब पहले सम्स था फिर उनका प्रोडक्ट था,
उसको तो मैक्सटर्म कहते हैं, यहाँ पर जो टर्म्स थी वो मैक्सटर्म थी। अब ये बोल रहा है कि इनको मिन टर्म फॉर्म में चेंज करो, मतलब प्रोडक्ट्स और उसके बाद सब, इसमें हमने चेंज कर दिया। तो लास्ट में जो रिजल्ट आपको मिला ए बार डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी बार प्लस डॉट सी, ये कौन सी टर्म है? मिन टर्म है। तो मिन टर्म में हमने इसको चेंज कर दिया है। नेक्स्ट दूसरा देख लो, कन्वर्ट द बूलियन एक्सप्रेशन सी बार डॉट बी बार डॉट ए बार प्लस सी डॉट बी डॉट ए बार का बार इक्वल टू वाई टू इट्स मैक्सटर्म फॉर्म, कि इसको मैक्सटर्म फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो ईच स्टेप इन द प्रोसीडर, और प्रत्येक स्टेप को आपको दर्शाना भी है। कैसे करेंगे? मैं मिन टर्म एक्सप्रेशन जो है वो आपको दिया हुआ है, क्या है? सी बार डॉट बी बार डॉट ए बार प्लस सी डॉट बी डॉट ए बार का बार इक्वल टू वाई, इसको बदलना है कौन सी फॉर्म में? मैक्सटर्म में। मतलब मिन टर्म में तो होता है प्रोडक्ट्स का सम, क्या होता है? प्रोडक्ट्स का सम। और मैक्सटर्म में क्या होता है? सम्स का प्रोडक्ट। मैक्सटर्म में क्या होता है? सम्स का प्रोडक्ट। तो आपको इसको बदलना है सम्स के प्रोडक्ट्स फॉर्म में। इसके लिए हमारी जो पहली स्टेप है वो क्या है? यही है कि भाई डॉट को प्लस में बदल दो। ड्यूअलिटी जो हमने लिखा था, प्लस को डॉट में, डॉट को प्लस में, जीरो को वन से और वन को जीरो से चेंज कर दो। तो हमारे पास आ जाएगा सी बार प्लस बी बार प्लस ए बार डॉट सी प्लस बी प्लस ए बार सी बार। सेकेंड स्टेप जो है सी डबल बार प्लस बी डबल बार प्लस ए का डबल बार डॉट सी बार प्लस बी बार प्लस ए का डबल बार, लिख सकते हैं ऐसा। थर्ड स्टेप, अब थर्ड स्टेप में डबल बार ऊपर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, उठा दो इनको, तो बी डबल बार बी हो जाएगा, सी डबल बार सी हो जाएगा, ए डबल बार ए हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा सी प्लस बी प्लस ए डॉट सी बार प्लस बी बार प्लस ए इक्वल टू वाई। ये सम्स है और उनका प्रोडक्ट है, अर्थात ये मैक्स टर्म फॉर्म है। तो हमने मिन टर्म को किस में बदल दिया? मैक्स टर्म फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। यही करना था आपको। अब और आगे की यदि हम बात करें तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज डी मॉर्गन थ्योरम टू कन्वर्ट द बूलियन एक्सप्रेशन। हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट डी बार प्लस ए बार डॉट बी डॉट सी बार डॉट डी बार का बार बराबर वाई टू इट्स मैक्सटर्म फॉर्म। इसको इसकी मैक्सटर्म फॉर्म में कन्वर्ट करना है बूलियन थ्योरम को काम में लेकर। तो हमारे पास जो मिन टर्म एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ है, मैक्स टर्म एक्सप्रेशन में इसको बदलना है। मतलब पहले सम्स और फिर उनका प्रोडक्ट होना चाहिए। स्टेप वही आप जानते ही, वो सारी बूलियन और डी मॉर्गन थ्योरम को काम में लो। तो डी मॉर्गन थ्योरम को काम में लेकर के काम कर दो, आप कर दिया और चेक कर लेना, इसमें लिखा हुआ है सारा, वही प्रक्रिया है, आपके पास मैक्सटर्म आ जाएगा। नेक्स्ट, राइट द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर ए फॉर इनपुट नॉर गेट। एक नॉर गेट है जिसके चार इनपुट हैं, तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा भाई? उसका आउटपुट मिलेगा, चार इनपुट है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और नॉर गेट है, और गेट का तो ये प्लस हो जाता है, नॉर गेट है। तो आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वार। नेक्स्ट है, ड्रा द लॉजिक सिंबल फॉर ए फॉर इनपुट नॉर गेट। अब इसके लिए लॉजिक सिंबल भी आपको ड्रा करना है। तो नॉर गेट है, चार इनपुट हैं, नॉर गेट में और गेट के आगे नॉट जुड़ा हुआ होता है, ये मिल जाएगा।
कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ए फोर इनपुट नोर गेट। अब क्वेश्चन आ जाएगा भाई फोर इनपुट नोर गेट के लिए ट्रूथ टेबल बनाओ, मतलब नोर गेट है जिसके चार इनपुट हैं, तो चार इनपुट ए बी सी डी, आउटपुट वाई मिलेगा, बना दो। कैसे बनाओगे भाई, चार इनपुट हैं, कॉम्बिनेशन आप ले लेंगे लेकर के चारों बना देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर, और भी आगे आता है ये भाई, ये जो टेबल बन रही है ना इनपुट आउटपुट, इधर जो इनपुट आउटपुट लिखे हुए ये नीचे आएंगे, तो चार बार आठ बार जीरो आठ बार वन हो जाएगा, चार सी चार बार जीरो चार बार वन, चार बार जीरो चार बार वन, बी में दो बार जीरो दो बार वन, दो बार जीरो दो बार वन, ऐसे चलता रहेगा। आउटपुट आप निकाल देंगे, निकाल करके या लिख देंगे। एक्सोर गेट के लिए आउटपुट यही है ना, चार इनपुट वाले के लिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का बार, इसका सिंबल ये बन जाएगा। ट्रूथ टेबल बना दो चार इनपुट वाले एक्सोर गेट के लिए, ट्रूथ टेबल बन गई। यहाँ तक देख लो, आपको किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। उसके बाद भी यदि आप चाहो तो फिर सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म जो है उसको बुलियन एक्सप्रेशन मतलब गेट्स के रूप में ऐसे लिख सकते हो, मिन टर्म फॉर्म में एंड और पैटर्न ऑफ लॉजिक गेट्स जो है। ये था प्रोडक्ट ऑफ सम्स बुलियन एक्सप्रेशन, ऐसे लिख देंगे, इनमें आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं है, क्योंकि बता दिया मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या है। आज के लिए इतना ही आप थे, आप सब ठीक होंगे। वैसे कोरोना महामारी बहुत तकलीफ फैल रही है, घर घर में मरीज हो रहे हैं, जुकाम सर्दी से आपको बचकर रहना है, सारी गाइडलाइंस की पालना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।